हेलो गाइज दिस इज़ गुलशन कुमार एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज़ देखो इस वीडियो में मैं आपको पठान मूवी की एकदम ऑनेस्टली रिव्यू दूंगा देखो जब मूवी स्टार्ट होती है तो पहले 10 मिनट मज़ा आ जाता है एकदम धड़िम ध्रम धड़िम ध्रम मार धार से भरपूर एक्शन से भरपूर लगा कि हाँ इस बार कोई मूवी है उसके बाद में होती है हमारे विलन जॉन अब्राहम सर की एंट्री उनकी एक बैक स्टोरी होती है मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि वो पहले हमारे देश का देश की सेवा करते थे मतलब वो एक इंडियन सोल्जर थे जो देश के लिए मर मिट्टी के लिए तैयार थे लेकिन उनके साथ में कुछ ऐसा होता है जिससे वो पूरी तरह से इमोशनली टूट जाते हैं और फिर हमारे देश इंडिया से ही बदला लेने के लिए उतावले हो जाते हैं वाह मतलब जो पहले देश की सेवा कर रहा है अब वही हमारे देश से बदला लेना चाहता है इससे देखो हमारे जो देश के लोग हैं उनके मन में क्या मतलब उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आप ही बता दीजिए जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ और हाँ उसके बाद में क्या एक्शन था भरपूर एकदम एक्शन से भरपूर कोई हवा में उड़ रहा है हेलीकॉप्टर से लटक कर इधर उधर इधर उधर वाह मज़ा आ गया उसके बाद में होती है इंटरवल इंटरवल के बाद में होती है हमारे भाई जान सलमान खान की एंट्री क्या एंट्री था एकदम मतलब जो ट्रेन होता है ना उसका छत एकदम फाड़ कर डायरेक्ट एकदम नीचे मज़ा आ गया फिर होती है मार धाड़ पूरा देखो एक बार ऐसा होता है कि पूरा ट्रेन फट जाती है लेकिन हीरो को कुछ नहीं होता है ट्रेन की जो दीवारें होती है जो कि मतलब आयरन लोहा से बना हुआ होता है फिर वो फिर भी वो टूट जाता है चलो होता है इतना होता है मतलब मूवी है उसके बाद में ट्रेन की जो बॉगी होती है वो एक खाई में गिरने लगती है नीचे गिर रही है उसके ऊपर हीरो दोनों हीरो दौड़ रहे हैं दौड़ते है। छलांग लगाकर एक बॉगी से दूसरे बॉगी वाह क्या सीन था उसके बाद में मशीनगन चलाने वाला थर 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 क्या सीन था यार तहलका मच गया उसके बाद में आईएसआई आई की बात तो मैंने की ही नहीं अभी तक देखो आईएसआई आई। जो कि हमारे देश के लिए जो हमारे पठान थे उनके साथ में मिलकर हमारे देश को बचाने के लिए जी जान लगा देता है वाह ये मुझे समझ में नहीं आया कौन ऐसा करता है यार आप ही बताओ मुझे तो नहीं पता अब आप ही बताओ देखो इस पे पहले से ही बहुत कंट्रोवर्सी थी मैं भगवा कलर को लेकर एक शब्द नहीं बोलूँगा लेकिन फिर भी मुझे दो बातें बहुत मतलब बेकार लगी इस मूवी की पहली बात तो ये कि जो देश की सेवा कर रहा है पहले पहले मतलब अपना जान दाव पर लगाकर हमारे देश इंडिया की सेवा कर रहा है और फिर उसके साथ में कुछ ऐसा होता है कि वो विलन बन जाता है क्या आप क्या संदेश देना चाहते हैं उसके बाद में जो विलन होता है वो हमारी देश की सेवा कर रहा है वाह क्या कॉन्सेप्ट है चलो ठीक है मूवी है इतना होता है अब आप लोग ही देखो जाकर देखो अगर आपको कुछ लॉजिक नहीं चाहिए देखो स्टोरी समझ में आए या फिर नहीं आए लेकिन मार धार है मार धार है थोड़ा बहुत पकाऊ सीन भी है जिसमें आप लोग ऐसे करके बैठे हुए रहोगे लेकिन हाँ जाओ देखो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना नहीं पसंद आए तो मूवी देख करके आना उसके बाद में डिसलाइक करना और मैंने अगर कुछ बातें गलत कही हैं आप सभी लोगों को तो नीचे कमेंट करके बता देना कि हाँ आप गलत बोल रहे हैं ये मूवी में नहीं था आपने खुद से जोड़कर बोला है तो ये नहीं है देखो जो आदमी देश की सेवा कर रहा हो वो कभी भी विलन नहीं बन सकता है उसके रग रग में रग रग में वतन के लिए मर मिटने के लिए उसके अंदर एक जुनून है हौसला है जो कि कभी ना टूटता है भाई लेकिन फिर भी ऐसा दिखाया गया है क्या मैसेज मिलेगा इससे चलो ठीक है वीडियो पसंद आया तो लाइक करना नहीं पसंद आया तो डिसलाइक बाय मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में